नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। हर बार जब मैं सोचता हूं कि मीडिया इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, वो कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई मिसाल ढूंढ लेती है हर स्तर को पार करने का, हर बेहूदगी को पार करने का। पूरा देश इस बात को लेकर शोक से घिरा हुआ है कि एक युवा फिल्मकार 34 वर्ष के सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। मगर जैसी खबर आई तो मैंने यह सोचा था कि उम्मीद है कि इस बार मीडिया चैनल्स इसे जिम्मेदारी से रिपोर्ट करेंगे। मगर अब जो मैं आपके सामने मिसालें बताने वाला हूं ना, वो वाकई शर्मनाक हैं। सबसे पहले आप इस न्यूज चैनल को देखिए, इसके स्क्रीन्स पर देखिए ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत। जैसे कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर एक फिल्म में काम किया था और इसलिए हिट विकेट का जिक्र किया। मैं नहीं जानता किसने लिखा है, किसका इसमें दिमाग है, मगर जो भी है मुझे उस पर दया आती है। मुझे तुम्हारी सोच के साथ सहानुभूति है कि तुम इतना वाहियात कोई चीज कोई लिख सकता था। अब इस चैनल पर गौर कीजिए, सुशांत की खुदकुशी पर 7 सवाल, और 7वां सवाल क्या है, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों? मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से उनके घर की तस्वीरें दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर। मैंने एक चैनल पर एक वीडियो देखा जिसमें सुशांत की बहन जो हैं वो अपील कर रही थी मीडिया वालों से कि प्लीज बाहर चले जाइए। मीडिया वाले न सिर्फ कैमरे से उनके पिता की तस्वीर ले रहे थे, वो पिता जो बार बार बेहोश हो रहे थे, ये सब कुछ न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा था। न सिर्फ मीडिया उनके पिता की तस्वीरें ले रहे थे, बात वहां तक नहीं रुकी। उनकी बहन मिन्नतें कर रही थी कि आप बाहर जाइए, और रिपोर्टर्स वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। ये तमाम तस्वीरें उसकी गवाह हैं। और मैंने एक न्यूज चैनल के एक एंकर को यह कहते हुए सुना कि आपको प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब यह थोड़ा ना कि आप आत्महत्या कर लेंगे। यानी कि तुम एक न्यूज चैनल के अंदर बैठ के एक साइकोलॉजिस्ट भी बन गए, तुम किसी की मानसिक स्थिति का भी आकलन करने लग गए, तुम ये भी बोलने लगे कि अगर आपको पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, अगर आपको प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप आत्महत्या कर लोगे। तो मीडिया चैनल्स ने एक तरह से इस मुद्दे पर हर तरह की हद को पार किया है, और यह पहली बार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब श्रीदेवी की मौत हुई थी तो न्यूज चैनल्स ने किस तरह से तमाम हदों को पार किया था। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, यहां देखिए, ये कोई पत्रकार है जो एक बाथटब के अंदर घुसा हुआ है और उस पूरे मंजर को बयां कर रहा है कि किस तरह से श्रीदेवी की लाश जो है वो मिली थी एक बाथटब में। अब ये दूसरा चैनल है, यहां पर आप देख सकते हैं कथित तौर पर इस बाथटब में श्रीदेवी की लाश है और साथ में बॉनी कपूर चल रहे हैं। ये कौन सा चैनल है मैं नहीं जानता। अब ये एक और चैनल देखिए, ये एक एंकर हैं जो एक बाथटब के साथ खड़ी हुई हैं और वहां पर एक वाइन की ग्लास भी है। अब ये दूसरा चैनल देखिए, ये एक और एंकर हैं जो बाथटब के साथ खड़े होकर एंकरिंग कर रहे हैं। यानी कि बेहूदगी की, शर्म की तमाम मिसालों को पार करके यहां पर रिपोर्टिंग की जा रही है। और यही नहीं, कुछ दिशा निर्देश होते हैं जब भी कोई सुसाइड होता है, खासकर किसी सेलिब्रिटी का सुसाइड होता है, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उसे उसका पूरी तरह से उल्लंघन न्यूज चैनल्स ने किया। वो मैं अब आपको बतलाने जा रहा हूं सिलसिलेवार तरीके से। सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ, इसने अपनी तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए जैसे ही उसने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को न्यूज चैनल्स किस तरह से कवर कर रहे हैं। 7 गाइडलाइंस हैं, वो क्या हैं? सबसे पहले, डोंट प्रमोट सुसाइड स्टोरीज बाय प्लेसिंग देम इन द फ्रंट पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर और एज ए लीड आइटम फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया। यानी कि जब भी कोई सेलिब्रिटी आत्महत्या करता है तो उसे आप अपने पहले पन्ने पर ना दिखाएं या फिर अपने न्यूज चैनल पर लगातार उसकी कवरेज ना करें, क्योंकि उससे समाज को एक गलत संदेश जाता है। मगर इसकी पूरी तरह से कल धज्जियां उड़ा दी गई। दूसरे पर गौर कीजिएगा,
डोंट गिव डिटेल्स अबाउट द मेथड और लोकेशन ऑफ एनी सुसाइड डेथ और अटेम्प्ट, यानी कि आत्महत्या किस तरह से की गई है उसका विवरण पेश ना करें। और आप जानते हैं इस न्यूज चैनल ने यह तक कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने हरे कपड़े के साथ आत्महत्या की थी। क्या इस जानकारी की हमको जरूरत थी? मगर फिर भी बताया गया। अब तीसरे मुद्दे पर गौर कीजिए। सुसाइड नोट्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ईमेल्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन एंड और देयर फैमिली मेंबर्स शुड नॉट बी पब्लिश्ड। सुसाइड नोट या किसी भी तरह के विवरण को आप पेश ना करें, प्रस्तुत ना करें, ब्रॉडकास्ट ना करें, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में विवरण को पेश ना करें। अब ये ट्वीट देखिए, ये पत्रकार ये बता रहा है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि उसकी सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो डिप्रेशन में थे। तो ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या इसका उल्लंघन नहीं है? आगे गौर कीजिए। डोंट स्पेक्यूलेट, वेरीफाई योर फैक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज व्हेन द रीजंस फॉर अ सुसाइड डेथ और अटेम्प्ट आर नॉट इमीडिएटली क्लियर। यानी कि आप अपने ख्याली पुलाव ना बनाएं, मानसिक घोड़े ना दौड़ाएं इस मुद्दे को लेकर जब तक तथ्य आपके सामने मौजूद ना हो। डोंट रिवील पर्सनल डिटेल्स अबाउट फैमिली मेंबर्स, द डिसीज्ड पर्सन और एनी पर्सन हु हैज अटेम्प्टेड सुसाइड विदाउट देयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। परिवार की मर्जी के बगैर उनके जो निजी विवरण हैं उसे पेश ना करें। ये तमाम तस्वीरें देखिए, उनके पिता जब बेहोश हो रहे थे तो उसका पूरा प्रसारण न्यूज चैनल्स पर किया जा रहा था। पिता वहां खड़े हुए थे, वहां पर से रिपोर्टिंग की जा रही थी, यानी कि इन दिशा निर्देशों का साफ तौर पर उल्लंघन। छठी बात पर गौर कीजिए, डोंट राइट अप सुसाइड डेथ्स अटेम्प्ट्स एज हॉरिफिक अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। ओपन अप योर स्टोरी बाय फोकसिंग ऑन द सेलिब्रिटीज लाइफ एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। कोई भी आत्महत्या होती है या कोशिश होती है उसे किसी भयानक घटना के तौर पर पेश ना करें, और वो जो सेलिब्रिटी है उसने जो सकारात्मक काम किया है उसके साथ उस खबर को जो है आप प्रसारित करें। सुसाइड इज अ लार्जली प्रिवेंटेबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। देर आर सेवरल काउंसलिंग सेंटर्स एंड हेल्पलाइंस वर्किंग अक्रॉस द कंट्री फॉर दिस कॉज। इंक्लूड दीज रिसोर्सेज इन योर स्टोरी एंड रिपोर्ट। ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अहम है कि देश भर में ऐसी कई संस्थाएं हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स को संबोधित करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, लिहाजा आप ऐसे संस्थाओं का प्रचार प्रसार करें ऐसे वक्त पे। मगर लगातार मैं देख रहा था कि किस तरह से न्यूज चैनल्स ये कोशिश कर रहे थे बताने की कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की। ये कोई मुद्दा है आत्महत्या करने का? हमें अब तक वजह नहीं पता, मगर हमने अभी से ही सुशांत सिंह राजपूत पर अपना जजमेंट देना शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। दुख मुझे इस बात का भी हो रहा था कि सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी की एक तस्वीर, उनके चेहरे की एक तस्वीर को वायरल किया जा रहा था। हमारे अंदर की, समाज के अंदर की जो इंसानियत है ना, वो पूरी तरह से मर चुकी है। वो इतनी विभत्स तस्वीर है, और मुझे दुख इस बात का था कि मैं एक ग्रुप में हूं और उस ग्रुप के अंदर एक शख्स ने उस तस्वीर को पोस्ट किया, और हम सब ने कहा कि कम से कम आप ऐसा ना करें इस वक्त। और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र साइबर ने अपनी तरफ से एक संदेश भी जारी किया, और आप भी आगाह हो जाएं अगर आप उस तस्वीर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कहता है ये? A disturbing trend has been observed in social media platforms by the Maharashtra Cyber that pictures of deceased actor Shri Sushant Singh Rajput are being circulated which are disturbing and in bad taste. Yani ki bahut hi galat tarika hai ye Sushant Singh Rajput tasveer ko is tarah se viral kiya ja raha hai. It is emphasized that the circulation of such pictures is against legal guidelines and court directions and are liable to invite legal actions. Yani ki ये कानून के खिलाफ है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर यहां महाराष्ट्र साइबर क्राइम कह रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने मुझे भी अंदर से इसलिए हिला दिया है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जैसे अभिनेता हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। और मैं आपको बताता हूं क्यों। आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत एक निहायत ही टैलेंटेड शख्स थे। वो एक इंजीनियर थे, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे और
एक्टिंग में जाने के लिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में छोड़ा और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में प्रवेश किया पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ। यही नहीं, फिजिक्स ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे सुशांत सिंह राजपूत। आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, खगड़िया का वीडियो है, पर देखिए यहां पर उनका किस कदर स्वागत हो रहा था। हम लोग मीडिया से हैं। ठीक है, रणवीर जी, बढ़िया जी। जो खबरें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चूंकि एक अच्छे, एक मध्यम वर्गीय सामान्य नॉन फिल्मी परिवार से उभर कर आए थे, इसी वजह से इंडस्ट्री ने उसे अपना नहीं समझा। ये सब कयास हैं और मैं नहीं जानता कि इसके पीछे की हकीकत क्या है, मगर सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग जो है ना, वो आप और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि अगर हम चाहें तो हम नामुमकिन को हासिल कर सकते हैं। मगर जिंदगी के किस मोड़ पे कौन कितना अकेला महसूस करता है, उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने घरों में बैठकर सुशांत सिंह राजपूत पर थीसिस ना लिखें, उस पर अपना जजमेंट ना दें कि ये कोई मुद्दा है आत्महत्या करने का। जी नहीं, हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया है। सुशांत सिंह राजपूत, आप हम सबको याद आएंगे। नमस्कार।